हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के पेट में कीड़े होने पर अपनाया जाने वाला एक बहुत ही अचूक आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाला हूं। प्रयोग को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही से सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही में दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, बच्चों के पेट में कीड़े होने के कारण बच्चों का सही तरह से पालन पोषण और विकास नहीं हो पाता है। पेट में कीड़ों की वजह से अच्छे खान पान का भी शरीर पर असर नहीं पड़ता। बच्चे प्रतिदिन दुबले पतले होते जाते हैं, हड्डियां भी बाहर निकल आती है, यानी कि बच्चों के पेट में कीड़े होने पर हानि ही हानि है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप इस आयुर्वेदिक प्रयोग को जरूर आजमाएं। इसके लिए आपको चाहिए टमाटर, नमक और काली मिर्च। जी हाँ, ये सभी चीजें हर घर में आसानी से मिल जाती है, आपको कुछ अलग से खास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक ताजा टमाटर ले लें, इसे काटकर इस पर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़ककर बच्चे को खिलाएं। इसको कम से कम 10 से 12 दिनों तक अगर नियमित रूप से बच्चों को खिलाया जाए तो पेट के कीड़े पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। ये प्रयोग सुनने में जितना आसान है उतना ही प्रभावशाली है। नियमित रूप से सुबह और शाम को बच्चों को इसका सेवन करवाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ अन्य आयुर्वेदिक नुस्खों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।